अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देख, मेरा सवाल है कि हम वॉलपेपर का काम करते हैं, इंटीरियर वर्क। ठीक है। तो जैसा कि हम सिर्फ उसको दीवार पे चिपकाते हैं, वॉलपेपर कोई दूसरा देता है, तो वॉलपेपर में बहुत सारे डिजाइन बने रहते हैं। उसमें जानवर का तस्वीर रहता है, घोड़े का, मोर का, और जी पेपर में गैर मुस्लिम लोग के माबूद का भी तस्वीर रहता है, तो क्या मेरे लिए जायज है लगाना? जी शेख, देखिए, तस्वीर का बनाना, उसका इस्तेमाल करना, किसी भी तरह से उसमें ताउन करना, ये हराम है। ये हमारी शरीयत का हुक्म है। और ये जो तस्वीरें बनी होती हैं वॉलपेपर वगैरह में, कुछ तस्वीरें तो उसमें ऐसी होती हैं जो गैर जानदार की तस्वीरें होती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। गैर जानदार की तस्वीरों में कोई हर्ज नहीं है। या अगर जानदार की भी तस्वीर है और वो तस्वीर ऐसी है, जैसे जानदार की तस्वीर अगर बनी हुई है लेकिन उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा गायब है जिसके बगैर वो जानदार जिंदा नहीं रह सकता, तो वो तस्वीर हुरमत में दाखिल नहीं। जैसे मान लीजिए सर कटा हुआ है, या सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो इस तरह, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पूरा है शेख, पूरा है, आंख नाक मुंह कुछ नहीं बना हुआ है, जैसे यानी पूरा जिस्म बना हुआ है दीवार पर, लेकिन उसका आंख नाक मुंह नहीं बना हुआ है, सिर्फ प्लेन कर दिया गया है उसको। हाँ, देखिए, मैंने इसीलिए बताया कि वो हिस्सा जिस्म का, वो उज़्व जिसके बगैर वो जानदार जिंदा नहीं रह सकता है, अगर ऐसा कोई उज़्व नहीं है तो वो हुरमत में दाखिल नहीं है। नहीं, लेकिन अगर वो तमाम आज़ा मौजूद हैं जिनसे कोई जानदार जिंदा रह सकता है जिनके साथ, तो वो हराम है, वो हराम है। और तो अगर ऐसी कोई पेंटिंग हो तो आप उसको चिपकाने का काम ना करें, आप उससे माजरत कर लें। और आपने कहा उसमें बुतों की तस्वीरें बनी होती हैं, तो ये तो इसमें, इसकी हुरमत में कोई जो है शको शुभे की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उससे माजरत कर लें और कहें कि ये हमारे अकीदे और दीन के खिलाफ है, इजाजत नहीं है हमें इसकी,